ओम शांति। आज 30/9/2024 30 सितंबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। हमारी आत्मा रूपी बैटरी जो कि खाली हो चुकी है समस्याओं से, दुख से, दर्द से, विकारों से, तो बाबा कहते हैं उसको चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कैसे होगी? जब हम उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे उतना ही हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो पर चिंतन, दूसरों के चिंतन में अपना समय वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। अब बाबा कहते हैं अपना बाबा का ज्ञान को जितना आप डीपली उसमें जाओगे, अपनी घोटोगे माना अपना उस ज्ञान को जितना चिंतन करोगे, बार बार उसका चिंतन करोगे, बाबा ने आज हमसे कहा तो उसका क्या रहस्य है, क्यों बाबा ने हमसे ये बात कही, तो अपना जब उसको उस ज्ञान को जितना घोटोगे उतना ही इस ज्ञान का नशा चढ़ेगा। प्रश्न है, ज्ञान एक सेकंड का होते हुए भी शिव बाबा को इतना डिटेल में समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ज्ञान तो छोटा सा है लेकिन बाबा इतना डिटेल में समझाते हैं, उसको इतना समय देते हैं क्यों? उत्तर, क्योंकि ज्ञान देने के बाद भी बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं ये भी बाबा देखते हैं। अब फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। अब बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे पवित्र रहो, बच्चे क्रोध आपका ये भी एक महाभूत है, इससे भी दूर रहो, सभी को वाइब्रेशंस दो, किसी को दुख मत दो, तो बार बार ये मुरली में रिपीटेड होके आता रहता है। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं जिस कारण उन्हें ज्ञान का सागर कहते हैं बाबा। इसलिए कहते हैं बाबा अंत तक, जब तक इस कलयुग का अंत नहीं होगा तब तक बाबा ये हम बच्चों को समझाते रहेंगे। जिस कारण बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है और एक सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले, क्योंकि बाबा लास्ट तक इसीलिए बच्चों के ऊपर वायुमंडल का वाइब्रेशंस के प्रभाव ना पड़े, इसीलिए बाबा हर दिन हमको ये बात समझाते हैं। मीठे बच्चे, सबसे पहला हमारा अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो, और पहला पाठ जो पक्का कराते हैं वो है पवित्रता का। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, किसी भी बात के पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है शिव बाबा और मैं, स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा, नर से नारायण बनने के लिए अंतकाल में एक शिव बाबा की ही याद रहे, इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भी भूल जाना है। वरदान, दाता की देन की स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भाव। कई बच्चे कहते हैं इनसे मेरा कोई लगाव नहीं, परंतु इनका ये गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत अच्छी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना ये भी आकर्षण है। कई बार ये ब्राह्मण बच्चे आपस में एक दूसरे से आकर्षण में आते हैं, तो बाबा उसके लिए समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं इसी का ही ज्ञान सुनना है, इसी का ही अच्छा लगता है, बार बार उसी का ध्यान आता है, तो ये भी एक आकर्षण है। किसी भी को भी विशेषता देखते हुए, गुणों व सेवा को देखते हुए दाता को मत बोलो कि उसको समझाने वाला कौन है, निमित्त कौन है, परमात्मा ने, शिव बाबा ने उसको ऐसा बनाया। तो ये दाता की देन है, ये स्मृति आपको लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो, ऐसे सोशल वर्कर समाज सेवी बनो जो भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे। तो वो आत्माएं जो भटकी हैं, जो विकारों के वश गिरी हुई हैं, ऐसी आत्माओं को भी परमात्मा का ठिकाना दे दो। उनको बताओ कि शिव बाबा सतयुग की राजधानी स्थापन करने आए हैं, बाबा से हम सभी वर्षा ले सकते हैं। आज के बलि से समान का अभ्यास करेंगे, मैं निराकारी आत्मा हूँ, प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं एक निराकारी आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। सात गुणों से संपन्न मैं आत्मा, प्रकृति के मत विराजमान एक सतोगुणी आत्मा हूँ।
परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्वशक्तियों से संपन्न कर दिया।